राजस्थान के झालावाड़ में मनोहर थाना तहसीलदार को उपखंड अधिकारी मजिस्ट्रेट मनोहर थाना के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन सीएलएफ राजीविका के सभी स्टाफ जो कि पूर्ण निष्ठा व लगन के साथ कार्य कर रहे हैं, वित्त विभाग के परिपत्र 4AD 4-1D रूल्स बटा 2011 की पालन में निवेदिता कार्मिकों संविदा के रूप में नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। सभी स्टाफ कार्मिकों का वर्तमान में मानदेय एवं भत्ते निर्धारण के समय से वर्तमान में महंगाई काफी बढ़ चुकी है, परंतु हम स्टाफ का मानदेय एवं भत्ते में भी किसी तरह की वृद्धि नहीं की गई। अतः श्रीमान जी से उपरोक्त मांगों का निराकरण करवाने का श्रम करवाकर हम अल्प मानदेय भोगी कार्मिकों को राहत प्रदान करवाने का श्रम करें, जिसमें सभी स्टाफ की मौजूदगी में अध्यक्ष पार्वती कुमारी व सचिव सोनू व कोषाध्यक्ष संतोष कुमार और शबाना खान, चेतना कुमारी, सुमित्रा नायक, शकुंतला यादव आदि के द्वारा ज्ञापन दिया गया। हम मतलब जो हमें राजीविका से क्लस्टर से मानदेय दिया जा रहा है ना, तो हमें भी उसका मतलब हाँ मानदेय बढ़ाया जाए। तो किसके नाम पे ज्ञापन दिया है आज? तहसीलदार जी को जो ज्ञापन दिया है, एसडीएम साहब मनोहर थाना, किस आगे किसको भेजना है? ठीक है, धन्यवाद। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।